इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सिप या लमसम किस तरीके से इन्वेस्ट करके हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिप और लमसम हमें करना किस में चाहिए, इंडेक्स फंड्स में या फिर कोई इंडिविजुअल कंपनी में। तो हमारे पास टोटल चार ही केस बनते हैं जिन्हें आज हम डिटेल में देखेंगे, और ये चार केसेस हैं। केस नंबर 1, सिप के मेथड से इन्वेस्ट करना इंडेक्स फंड में। केस नंबर 2, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना इंडेक्स फंड में। केस नंबर 3, सिप करना किसी इंडिविजुअल कंपनी में। या फिर केस नंबर 4, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना किसी इंडिविजुअल कंपनी में। अब इससे पहले कि हम ये चार केसेस डिस्कस करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन मेरे खुद के कंक्लूजन्स हैं। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद की रिसर्च जरूर कर लें। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ये सिप और लमसम है क्या। तो सिप का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हम सिस्टमैटिक वे में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर मंथ अगर हम 10,000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में डालते हैं, तो ये सिप का एग्जाम्पल है। सिप कोई लोन की ईएमआई की तरह नहीं है कि अगर हमने पैसे डालना बंद कर दिया तो हमें कोर्ट की तरफ से लेटर आ जाएगा। ये एक सिंपल इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसका ऑन और ऑफ का बटन हमारे पास है, यानी हम सिप को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी बंद कर सकते हैं, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लमसम का मतलब है कि लेट से अगर आपको आज ऑफिस से 10,00,000 रुपए का बोनस मिलता है और आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये पैसे एक साथ इन्वेस्ट करने हैं, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी एक साथ हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तो अब सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं जो कि है सिप इन इंडेक्स फंड। इसे समझने के लिए हम दो केसेस की बात करेंगे, एक केस जिसमें हमें अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं और दूसरा केस जिसमें हमें बहुत कम रिटर्न्स मिल रहे हैं। ओके, लेट्स से कि आप हर महीने इन्वेस्ट करने का सोचते हैं और हर महीने 1 जनवरी 2013 से लेकर 15 मार्च 2022 तक 5,000 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डिपॉजिट करते हैं। तो 15 मार्च 2022 को अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं, तो अभी तक आपने जो टोटल पैसे इन्वेस्ट करे हैं वो है करीबन 5,55,000 रुपए, और वो अमाउंट इंक्रीज होके आपको मिलेंगे 10,57,632 रुपए। इट्स अ डिसेंट नंबर विद एन XIRR ऑफ 14.31%, जो कि बैंक डिपॉजिट से बहुत अच्छा है। बट अब हम एक और केस के बारे में बात करते हैं जिसका रिटर्न उतना अच्छा नहीं है। इस केस में अगेन हम मानते हैं कि हमने सिर्फ स्टार्ट करी थी 1 जनवरी 2013 को, वो भी सेम अमाउंट की, यानी 5,000 रुपीज की, लेकिन 15 मार्च 2022 को विड्रॉ करने के बजाय इस केस में हम अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं 8 अप्रैल 2020 को। तो इस केस में जो आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो है 4,40,000 रुपए, और इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8 अप्रैल 2020 को बनेगी 4,74,235 रुपीज, यानी 88 मंथ तक इन्वेस्ट करने के बावजूद हमें सिर्फ 34,235 रुपए का फायदा होता। और बहुत से इन्वेस्टर्स गालियां भी देते, लेकिन अगर हम सिर्फ 2 साल और रुक जाते और बेशक 8 अप्रैल 2020 के बाद इन्वेस्ट भी ना करते, तो आज हमारे 4,40,000 रुपए की कीमत 9,51,344 रुपीज होगी होती, यानी 34,000 रुपए की जगह हमारा प्रॉफिट 5,10,000 रुपए होता। तो इन केसेस से हमारी 3 लर्निंग्स हैं। लर्निंग नंबर 1, जब भी हम इंडेक्स फंड में सिप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर हम तब विड्रॉ करते हैं जब मार्केट डाउन है तो हमें या तो लॉस हो जाएगा या कोई भी फायदा नहीं होगा। लर्निंग नंबर 2, बेशक इंडेक्स फंड में पैसे निकालने का एग्जैक्ट टाइम हमें ना पता हो, लेकिन हम दो चीजों के लिए श्योर हैं, और वो ये है कि अगर मार्केट डाउन है भी तो भी हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि मार्केट की वैल्यू इंक्रीज जरूर होगी, बेशक इसके लिए 5 साल लगे या 10 साल लगे। और एक पॉइंट ऐसा भी होगा जब हमें बैंक से ज्यादा रिटर्न मिल रहा होगा और उस वक्त पर हम अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए जो चारों केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये सबसे कम रिस्क इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट, थर्ड लर्निंग ये है कि हमें अपने वो पैसे इन्वेस्टमेंट में कभी भी नहीं लगाने चाहिए जो हमें जल्दी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट अगले 5 साल या इवन 10 साल तक डाउन रह सकती है। ये सारे केसेस आप खुद भी देख सकते हैं एडवाइजर खोज की वेबसाइट में जाकर। वहां पर इंडेक्स फंड सिलेक्ट करें, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट के साथ सिप अमाउंट एंटर कर दे और एक बार फीलिंग ले सकते हैं कि हमारे डिसीजंस हमारी इन्वेस्टमेंट पर क्या फर्क डालते हैं। लेकिन इस वेबसाइट में बाद में जाना, पहले हमने 3 और ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस समझने हैं। नेक्स्ट केस आता है लमसम इन निफ्टी इंडेक्स फंड। ये रहा निफ्टी 50 का ग्राफ। अब हम इसमें खुद के साथ सबसे बुरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं, और वो बुरी सिचुएशन ये है कि हम एक साथ अमाउंट तब इन्वेस्ट कर रहे हैं जब मार्केट ओवरप्राइज्ड है, यानी अप है, और पैसे तब निकाल रहे हैं जब मार्केट अंडरप्राइज्ड है, यानी मार्केट डाउन है। तो लेट्स से हम ये 2 डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। पहली डेट है 4th जनवरी 2008, जिस वक्त मार्केट की वैल्यू 6274.30 है, और 27th फेब 2009 सेकंड डेट है जब मार्केट की वैल्यू 2763.65 है,
लेट्स इमेजिन कि आपने 10 लाख रुपए 4th जनवरी 2008 में इन्वेस्ट कर दिए और 27th फेब 2009 को आपने पैसे विड्रॉ कर लिए, तो आपके 10 लाख रुपए अब बन जाएंगे 2763.65 डिवाइडेड बाय 6274.30 इनटू 10 लाख रुपीस, व्हिच इज इक्वल टू 4,40,471.44। यानी हमें करीबन 5,59,000 रुपीस का लॉस हुआ है। आइए अब एक अच्छी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। लेट्स से कि हमने इन्वेस्टमेंट तब की थी जब मार्केट अंडर प्राइस थी, यानी मार्केट डाउन थी, और हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को तब विड्रॉ किया जब मार्केट ओवर प्राइस थी, यानी मार्केट अप थी। तो हम दोबारा से दो डेट्स इमेजिन कर लेते हैं। हम मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट डे मानेंगे 27th फरवरी 2009, जब मार्केट की वैल्यू 2763.65 थी, और सेकेंड डेट हम मान लेते हैं 14th अक्टूबर 2021, जिस वक्त मार्केट ओवर प्राइस थी और इस टाइम इसकी वैल्यू 18338.55 थी। तो अब आपके 10 लाख रुपए की वैल्यू 18338.55 डिवाइडेड बाय 2763.65 इनटू 10 लाख, व्हिच इज इक्वल टू 66,35,626 रुपीस हो जाएगी। यानी ऑलमोस्ट आपके पैसे हो जाएंगे 6.6 टाइम्स। तो इससे भी हमारी तीन लर्निंग्स हैं। लर्निंग वन ये है कि अगर हमने लमसम अमाउंट डिपॉजिट या विड्रॉ करना है तो हमें पिछले केस के कंपैरेटिवली एक एक्स्ट्रा स्किल चाहिए, और वो ये है कि हम ये बता सकें कि मार्केट कब ओवरप्राइज्ड है और कब अंडरप्राइज्ड है। अब हम सिर्फ पता कर सकते हैं कि मार्केट ओवरप्राइज्ड है या अंडरप्राइज्ड है, हम ये नहीं बता सकते कि मार्केट कब ओवरप्राइज्ड होगी और कब अंडरप्राइज्ड होगी, और मेरे ओपिनियन में कोई भी एक्सपर्ट इसे नहीं बता सकता। एनीवेज, ये स्किल ही डिटरमिन करेगी कि हमें लॉस होगा या प्रॉफिट। अब ये पता कैसे करते हैं, अभी ये मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। लर्निंग टू ये है कि अगर इंडेक्स फंड में भी हम लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो हमें एटलीस्ट हफ्ते में एक बार मार्केट को चेक करना ही पड़ेगा कि क्या भी मार्केट कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है या नहीं, यानी ये ओवरप्राइज्ड है या अंडरप्राइज्ड है। और मार्केट को इतनी ज्यादा बार चेक हमें पिछले केस में नहीं करना था। लर्निंग थ्री ये है कि बेशक अगर हम एक साथ पैसे गलत टाइम में इन्वेस्ट भी कर दें तो भी हम ऑलमोस्ट श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि मैंने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे उतने तो मुझे वापस मिल ही जाएंगे। अब ये कब मिलेंगे हमें ये नहीं पता, बेशक इसके लिए 5 या 10 साल ही हमें वेट क्यों ना करना पड़े। अब आता है केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4, यानी सिप एंड लमसम इन इंडिविजुअल कंपनीज। देखो, अब जैसे ही इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो गेम पूरी चेंज हो जाती है। इस केस में अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ख्याल रखना पड़ता है, और वो ये है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहीं डूब ही नहीं जाए, या फिर वो कंपनी एक्चुअल में फ्यूचर में ग्रो करेगी भी या नहीं। और इसलिए जो मेहनत है वो इस केस में पिछले केसेस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, ये शेयर प्राइस चार्ट है सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का, और अगर हमने इस कंपनी में 31st मार्च 2006 में इन्वेस्ट कर दिया होता तो उस वक्त इसका एक शेयर का प्राइस 848.50 था, लेकिन 10th दिसंबर 2010 को इसका प्राइस 60 रुपीज पहुंच गया था। यानी अगर हमने इस कंपनी में इन डेट्स को इन्वेस्ट और विड्रॉ किया होता तो हमारी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट पूरी वॉश आउट थी। अब इस कंपनी के डाउनफॉल का रीजन ये है कि इसके फाउंडर बीआर राजू ने कंपनी का प्रॉफिट कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स में झूठा दिखाया था, जिसके लिए उन पर कोर्ट केस भी चला। बाद में इस कंपनी को टेक महिंद्रा ने खरीद लिया। एनीवेज, पॉइंट ये है कि कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कम से कम 4 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कंपनी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए, और ये 4 चीजें हैं नंबर, बिजनेस, वैल्यूएशन और मैनेजमेंट। सबसे पहला है नंबर्स, यानी कंपनी का उधार कितना चल रहा है, पीई एक्सेट्रा। सेकंड है बिजनेस, यानी कंपनी का एक्चुअल बिजनेस और वो आगे अपनी सेल्स और अर्निंग्स कैसे इंक्रीज करेगी, ये कैसे होगा एक्सेट्रा। थर्ड है मैनेजमेंट, यानी वो लोग जो एक्चुअल में कंपनी चला रहे हैं क्या वो फ्रॉड है या फिर वो इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनली है वैल्यूएशन। इन शॉर्ट, पिछले केस की तरह इस केस में भी हम तभी खरीदना प्रेफर करेंगे जब कंपनी अंडर वैल्यूड हो, यानी हमें सस्ते में मिल रही हो। तो इस केस में हमारी तीन लर्निंग्स हैं। लर्निंग नंबर 1 ये है कि इंडिविजुअल कंपनीज में जो स्किल और टाइम रिक्वायर्ड है वो ज्यादा है। हम निफ्टी 50 की तरह इसमें ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी में हमें ये पता था कि बेशक 5 या 10 साल ही क्यों ना लग जाए लेकिन इसकी वैल्यू इंक्रीज ही होगी। ये स्टेटमेंट हम कंपनी के केसेस में नहीं बोल सकते। हो सकता है जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हो वो सत्यम कंप्यूटर्स की तरह ही निकले, यानी शेयर प्राइस कभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचे ही ना। लर्निंग नंबर 2, कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो कई इन्वेस्टर्स धीरे धीरे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स को देखते हुए। जैसे जैसे उनकी कन्विक्शन स्ट्रांग होती रहती है वो वैसे वैसे उस कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इसीलिए इसे एग्जैक्टली सिप तो नहीं कह सकते लेकिन इसे लमसम भी नहीं कहा जा सकता। लर्निंग 3 यह है कि हम लमसम अमाउंट भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस चारों केसेस में से इसी केस में सबसे ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी चारों केसेस में सबसे ज्यादा इसी में है। इस रिस्क को कम करने के लिए हम कम से कम 7-8 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और इन सारी 7 से 8 कंपनीज में हमें भरोसा होता है कि ये फ्यूचर में पक्का ग्रो करेंगी। एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले तो सिप और लमसम में डिफरेंस देखा था कि सिप का मतलब है इंस्टॉलमेंट्स में पैसे इन्वेस्ट करना और लमसम का मतलब है कि एक साथ पैसे इन्वेस्ट कर देना। कई लोग सिप को बैंक की लोन की ईएमआई की तरह समझते हैं और इसीलिए वो इन्वेस्ट नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि क्या होगा अगर 6 महीने के बाद मैं पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाया। बट ये ईएमआई नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसे आप जब चाहे तब बंद कर सकते हो और जब चाहे स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमने 4 केसेस डिस्कस करे थे, जिसमें पहला था सिप इन इंडेक्स फंड। इसमें हमने देखा था कि ये 4 केसेस में सबसे कम रिस्की मेथड है। हम जब चाहे सिप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिटर्न लेने के लिए मार्केट हमें बताएगी कि पैसे कब निकालने हैं। इसलिए जो पैसे हमें इमीडिएटली निकालने हैं उन्हें हम ना ही इन्वेस्ट करें तो बेटर है। सेकंड था लमसम इन इंडेक्स फंड। अब इसमें थोड़ा स्किल लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हमें मार्केट कब ओवरप्राइज्ड है और कब अंडरप्राइज्ड है इसको भी ट्रैक करना पड़ता है। और एटलीस्ट हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम हर हफ्ते कम से कम एक बार तो मार्केट की वैल्यू चेक ही करेंगे। थर्ड और फोर्थ था सिप एंड लमसम इन कंपनीज। इसमें जो स्किल लेवल है वो ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है और अगर सब ठीक रहा तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है। ये मेथड उन लोगों के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है जो लोग काफी टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पर, यानी या तो ये उनकी हॉबी है या फिर ये फुल टाइम इन्वेस्टर्स हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ही अमेजिंग बुक्स लिखी जा चुकी हैं, जैसे कि वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग एंड सो ऑन। तो अगर आप इन बुक्स की समरी फ्री में हिंदी में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर google.live वेबसाइट में भी इन्हें डायरेक्टली सुन सकते हैं। वैसे इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर गलत डिसीजन ले रहा है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और ये वीडियो उनकी हेल्प कर सकती है, तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है इस वीडियो से उनका बहुत फायदा हो। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।